सो हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो इसमें आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि लिमिट का कंसेप्ट, लिमिट क्या होता है किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो फंक्शंस हमने ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है, अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट से। तो देखते हैं इसको समझने के लिए पहले एक एग्जाम्पल से कि इसका पीछे का इंट्यूशन क्या है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सपोज मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ यहाँ पे स्मॉल एफ एक्स, एफ एक मैप आर से आर पे, पहले डिफाइन करते हैं कैसे इसको डिफाइन कैसे करना है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। करते हैं कि ये रैशनल फंक्शन है। यस सर। ऊपर पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, नीचे क्यू एक्स भी एक पॉलिनोमियल है। यस सर। इसमें लेकिन एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे मैं क्या सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता, टू। टू यस सर। सो एक्स इज नॉट इक्वल टू टू। टू फॉर एक्स नॉट इक्वल टू टू, जब मेरा एक्स टू के बराबर नहीं है तो मैं ऊपर वाली क्वांटिटी को स्प्लिट कर सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। यस सर। नीचे भी ऐसे कर सकते हैं। यस सर। एक्स माइनस टू ये कैंसिल होकर क्या बनेगा, एक्स प्लस टू, ये कट जाएगा ना यहाँ पे। तो मेरा फंक्शन कैसे डिफाइन हो गया, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू व्हेन माई एक्स इज नॉट इक्वल टू टू। इंपॉर्टेंट कि मैं ये जब मैं डिलीट तभी कर पा रहा हूँ, यहाँ पे इन फैक्टर्स को कैंसिल कब कर पा रहा हूँ, जब मेरा एक्स टू के बराबर नहीं है। नहीं है। जब मेरा एक्स टू के बराबर नहीं है तो जो ये वाला फैक्टर है, जब तुम इसमें एक्स की वैल्यू कुछ रखोगे लेकिन टू के बराबर नहीं रखोगे, तो जो ये फैक्टर है ये कैसा एक नॉन जीरो नंबर आएगा। यस सर। उसका डिफरेंस टू से ले रहे हो ना, तो कुछ क्वांटिटी बचेगी, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यस सर। अगर सपोज टू से कोई बड़ी वैल्यू ली तो पॉजिटिव क्वांटिटी बचेगी। फोर ले लेते हैं तो टू रह जाएगा। टू रह जाएगा तो नीचे भी टू आ जाएगा ऐसे, तो कट जाएंगे आपस में फैक्टर्स। यस सर। तो मतलब मैं उसको कैंसिल कब कर सकता हूँ इन दोनों फैक्टर्स को, जब मेरा एक्स नॉट इक्वल टू टू है। यस सर। तो जब एक्स नॉट इक्वल टू टू है तो उसी फंक्शन को मैंने एक दूसरे फॉर्म में लिख दिया। जब जब मैं इस फंक्शन में, ये वाला जो ओरिजिनल फंक्शन है, इसमें मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी रखूंगा टू को छोड़ के, तो वो इसके अंदर रखूं या फिर अब मैं इसके अंदर रखूं, बात एक ही है, क्योंकि वो कॉमन चीज कट जाएगी ना ऊपर नीचे। यस सर। इसलिए यहां तक क्लियर है? यस सर। अब एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा उसको समझना ध्यान से। लिमिट्स के रिस्पेक्ट में मैं क्या चेक करना चाहता हूँ यहाँ पे, इस फंक्शन का बिहेवियर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम। अगर सपोज मैं इसको इक्वेशन वन बोल देता हूँ, सो वी आर इंटरेस्टेड टू चेक द बिहेवियर। अभी समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, ये ब्रैकेट्स के अंदर ही बताऊंगा क्या लिखना है, नियर एक्स इक्वल्स टू टू। मैं कौन सी वैल्यू पे इंटरेस्टेड हूँ चेक करने के लिए कि मेरा फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, एक्स की वैल्यू टू पे, उसके नियर, उसके नियर में जो वैल्यूज हैं, मतलब उसके जो बहुत ही वैल्यूज करीब हैं, जैसे 2.1, 2.01, 2.2, 1.99, 1.999, ये सारी वैल्यूज क्या हैं, 2 के बहुत नियर है, क्लोज हैं। तो मैं जब भी मैं लिमिट की बात करूंगा तो किसी फंक्शन की मैं लिमिट हमेशा बात करूंगा किसी पॉइंट पे, अप्रोच बात करूंगा। हाँ, मतलब जब भी मैं लिमिट की बात करता हूँ किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में, कि मैं उस फंक्शन की लिमिट निकालना चाहता हूँ एक पॉइंट पे, कि इस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट क्या है या फिर उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि उस फंक्शन का, उस पॉइंट के अराउंड वाले जो पॉइंट्स हैं उन पे उस फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, वो फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। बिहेव का मतलब क्या है कि उस फंक्शन की क्या वैल्यूज़ हैं, वो क्या वैल्यूज़ अज्यूम करता है। यस सर। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे भी देखते हैं इसको एक सेकंड।
अब यहाँ पे मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मेरा फंक्शन टू पे डिफाइंड नहीं था, यस सर, इसलिए मैंने जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें मैं उसका बिहेवियर चेक करना चाह रहा हूँ वो कौन सा पॉइंट चूज किया, टू, एक्स टू, वही उस पॉइंट के नियर बाय देखना है ना। तो बिहेवियर का यस मतलब सर, क्या है, हाउ स्मॉल एफ बिहेव्स फॉर वैल्यूज विच आर क्लोज टू टू, यस सर, विच आर क्लोज एंड नियर बाय टू टू बट नॉट इक्वल टू टू। यस सर, ओके, तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी क्लास से हमें फंक्शन की अगर कुछ वैल्यूज निकालनी है तो मैं टेबल बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, टेबल, टेबल बनाता हूँ, मतलब एक्स के लिए रखूंगा, फंक्शन की वैल्यू लिख लूंगा, ये तो हम कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लूंगा दो केसेस में डिवाइड करके। अब एक चीज बताओ मेरे को, जब मेरा एक्स की वैल्यू टू है रियल लाइन पे, उसके पास मैं कैसे कैसे जा सकता हूँ, रियल, सपोज मैं रियल लाइन पे हूँ, कहाँ पे हूँ, यस सर, रियल लाइन पे, यस सर, तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि रियल लाइन पे मैं एक नंबर को कैसे कैसे अप्रोच कर सकता हूँ। सर या तो आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे या तो राइट साइड से, लेस गुड, दो दो साइड से कर सकते हो आप, दो साइड से जा सकते हैं ना उसके पास, या तो हम ये यस करेंगे सर, उसके फॉर लेफ्ट से, एग्जाम्पल टू है तो टू के पास 1.9 या 1.999, हाँ और मतलब बहुत ही जो अगर उसके क्लोज वैल्यू है, मतलब मैं पहले जाने के वेज ढूंढ रहा हूँ, मैं रियल लाइन यस पे हूँ सर तो या तो मैं उसके लेफ्ट से जा सकता हूँ या फिर उसके राइट से जा राइट सकता सर, हूँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेफ्ट और राइट, यहाँ पे लिमिट के कंटेक्स्ट में जब मैं लिमिट की बात करता हूँ, तो ये देखना मैंने दो टेबल वैल्यूज बना ली हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने, तुमने कहा था कि हम दो तरीके से फंक्शन को अप्रोच कर सकते हैं, तो देखते हैं चलो फंक्शन का बिहेवियर। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा इसके अंदर, पहले अपना स्मॉल एक्स और ये उसकी वैल्यूज, ठीक यस है। सर, ये वाला मैं पहले कौन सा केस डिस्कस कर रहा हूँ, व्हेन कौन से साइड से अप्रोच कर रहे हैं, हाँ वो उसको लिखने का तरीका है तो वो बता रहा हूँ, व्हेन वी अप्रोच एक्स इक्वल्स टू टू फ्रॉम द राइट, राइट, फ्रॉम द राइट या फिर फ्रॉम द राइट साइड, यस सर, मतलब आगे से टूके, अभी वो समझाएंगे ना। देखो इसको और थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए, और तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमारी एक्स की वैल्यूज़ टू को अप्रोच कर रही हैं फ्रॉम द लेफ्ट, तो जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं वो भी एक सर्टेन रियल नंबर के बहुत ही क्लोज इनफ जा रही हैं, जो कि क्या है, 4 के बराबर है, 3.99999। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे इसको लिखा है यहाँ पे कि व्हेन वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्लोज इनफ टू टू फ्रॉम द लेफ्ट देन द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन आर गोइंग टू क्लोज और ट्राइंग टू अप्रोच 4, रियल नंबर 4। इसको करते हैं आगे, अब यहाँ पे कुछ फिर से, अब एक चीज़ और, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख ली है कि जो लिमिटिंग वैल्यू है फंक्शन की वो क्या है, 4 के बराबर है, जो हमारा एक्स क्या है, क्लोज इनफ है 2 के बराबर है। उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 2, एक्स आर ट्राइंग द वैल्यूज ऑफ एक्स आर क्लोज इनफ टू 2 इक्वल्स टू 4। तो ये एरो को हम क्या बोलते हैं, टेंड्स टू या फिर अप्रोचेस टू, और जो 4 की वैल्यू आती है ये क्या होती है, हमारी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लिमिट इज ऑलवेज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, ये हमने कर लिया। यहाँ पे अब दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है कि जब हम किसी फंक्शन की किसी रियल नंबर पे लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस नंबर को हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स आर ट्राइंग टू अप्रोच फ्रॉम द लेफ्ट, तो उस केस में जो फंक्शन की वैल्यूज किसी सर्टेन नंबर रियल नंबर को अप्रोच करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे राइट हैंड लिमिट में क्या होता है कि जब वो फंक्शन की वैल्यूज क्या है, उस रियल नंबर के राइट से अप्रोच करती हैं, तो फंक्शन की वैल्यूज भी एक सर्टेन रियल नंबर को अप्रोच करती हैं। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा कि लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टूवर्ड्स सी, सी के ऊपर क्या लगा, एक माइनस सिंबल,
माइनस का मतलब क्या है, वैल्यूज ऑफ एक्स ट्राइंग टू अप्रोच सी फ्रॉम द लेफ्ट, और जो एक्स की वैल्यूज हैं वो सी से छोटी हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक्स की जो वैल्यूज yes, हैं वो सी से छोटी हैं और उसको अप्रोच कर रही हैं, और जो लिमिटिंग वैल्यू है उसको एल से डिनोट कर रहे हैं कि वो लिमिट जो आ रहा है, और दोनों ही क्या है, रियल नंबर है, सी बी और एल बी। ऐसे राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, उसमें क्या है तुम्हारी जो एक्स की वैल्यूज हैं वो सी को अप्रोच कर रही हैं और सी से बड़ी हैं। तो यहाँ पे अब एक चीज़ है, यहाँ पे मैंने देखो दोनों चीज़ें एल लिखी हैं, ये भी एल लिखा है ये भी एल लिखा है, लेकिन एक चीज़ समझनी है यहाँ पे कि इन जनरल, मतलब अभी तुम बहुत सारे एग्जांपल्स देखोगे जहाँ पे किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रही होगी और राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रही होगी। तो अब हमें अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि कौन से केसेस में हमारी जो फंक्शन की, मतलब हम कब बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है जिसको मैंने एज अ रिमार्क में लिखा है। यस सर, इफ एंड ओनली इफ। हाँ, कि लिमिट ऑफ fx व्हेन x अप्रोचेस c इक्वल टू l, कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जब मेरी x की वैल्यू c के बराबर है, c को अप्रोच कर रही है नॉट बराबर, वो l के बराबर आएगी इफ एंड ओनली इफ, अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों उस रियल नंबर के बराबर है। जो ऊपर वाला एग्जांपल था yes. उसमें l की वैल्यू क्या थी, 4। एल के लिए हमने क्या चूज करी है, 4। फोर तो जो एल है वो 4 है, लेफ्ट हैंड लिमिट तुमने ध्यान दिया होगा तो 3.999 कुछ आ रहा था, और राइट हैंड लिमिट क्या था, 4.00001 समथिंग उसके इतना क्लोज आ गया था। दोनों ही वैल्यूज जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है 4 को अप्रोच कर रही हैं, और दोनों ही मतलब 4 की तरफ जा रही हैं, तो लेफ्ट हैंड अप्रोक्सीमेट दोनों का 4 है। हाँ, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 की तरफ जा रही है और राइट हैंड लिमिट भी 4 की तरफ जा रही है। तो इस केस में मैं क्या बोलूँगा, जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या है, 4 के बराबर एग्जैक्टली। लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 2 2। यस सर, कैसे लिखूंगा मैं, देखो लिमिट ऑफ एफ एक्स ये भी 4 है और ये किसके बराबर है, पॉजिटिव। तो देयरफॉर यहां से मैं कंक्लूड करूंगा अब कि लिमिट ऑफ एफ एक्स When x approaches to 2 equal to 4। हो सकता है तुम्हें बुक में वो कई बार डायरेक्टली ये चीज़ दे देंगे, तो इसका मतलब है ये लिख रहा है वो, तो उससे मतलब जो उससे ऊपर वाली लाइन है वो हमेशा ट्रू है कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं। यस सर, तब ये चीज़ कंक्लूड कर रहा है वो। अगर मैं अगर मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 है और राइट हैंड लिमिट भी 4 है। यस सर, क्लियर? यस सर। ओके, तो हमने लिमिट का कंसेप्ट समझ लिया कि किसी yes, फंक्शन का किसी पॉइंट पे लिमिट हम कैसे निकालते हैं। इसको तुम एक चीज़ और भी कर सकते हो, जो मैंने ये किया ना यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसका हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ग्राफ? ग्राफ से और हमें बेटर एक क्लैरिटी आ जाएगी ना, तो करते हैं इसको प्लॉट फटाफट से। कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ग्राफ तो उसका एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ प्लॉट करना है ना। यस सर, जब तुमने 2 नहीं ले सकते तो यहाँ पे 2 के अलावा हमने जो वैल्यू ली थी 2.5 वगैरह, हाँ वही सब लेते हैं। तो सर ऐसे, अच्छा नहीं बोलते सॉरी, अरे वो 2 ले ही नहीं सकता, मैं कुछ और सोच रहा था, लाइक 2.5 पे जो होगा उसका वो जैसे 4.5 हो जाएगा, 2 पे 4.5 चीज़। मैं देखो यहाँ पे एक चीज़ जा रहा हूँ तुम्हें, ये हमारा सपोज 2 है, y इक्वल टू 2 या फिर एफ एक्स इक्वल टू 2 और 4 है, ठीक है। 0 रखने पे आंसर क्या मिलेगा तुम्हें, 0 रखने पे सर आएगा 2। तो 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो मेरे को yes, 4 से है ना, 2 से है। यस सर, मैं 2 नहीं रख सकता, यहाँ मेरा 2 है, इसको छोड़ मैं 1 रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, पर मैं रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यूज क्लोज, 2 के क्लोज ही तो रखूंगा। यस सर, थोड़े से दूर थोड़ी रखेंगे। यस सर, तो यहाँ पे जब मैं तुम्हें याद होगा जब मैंने 2.5 रखा था तो 4.5 आया था ना आंसर, फाइव। यस सर, यहाँ कहीं आएगा 4 और 5 के बीच में, नहीं 5 आ जाएगा, और हमने 1.5 रखा था फिर हमने लेफ्ट साइड से अप्रोच करते टाइम,
1.5 रख दो, क्या दिक्कत है? 3.5 3.5 आएगा, मतलब 1.5 यहाँ होगा, इसके ऊपर जाओगे तो 3 यहाँ है, 3 से और 2 के बीच में ये नंबर आ गया। 1 रखने पे क्या आ गया? 3 आ गया। 3 क्या होगा एग्जैक्टली? यहाँ सर वो तो 2 है। नहीं रुक जाओ, मैंने ना पिछले वाला गलत जगह मार्क कर दिया, 3.5 था ना 1.5 रखने पे। थोड़ा थोड़ा ऊपर रहेगा सर वो। लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये 3 है सर बस। तो 3.5 क्या होगा? 3 और 4 के बीच में यहाँ पे। 1 पे क्या होगा? 3 होगा ऐसे, ठीक है। ये 2 हो गया, तो देख रहे हो कि यहाँ से ना एक लाइन पास करेगी ऐसे, जब तुम मैं यहाँ पे दिखाना कुछ और चाह रहा हूँ, जब तुम्हारी वैल्यूज 2 के क्लोज हैं, 2 पे जब तुम रख रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? इस नंबर के क्लोज है। जब जब तुम वैल्यूज 2 के करीब जाओगे, 2 के क्लोज वैल्यूज लोगे लेफ्ट से राइट से, तो फंक्शन की वैल्यूज क्या है? y इक्वल टू 4 के क्लोज आएंगी। यस सर। तो जो 4 है ये वही है जो तुम्हारी लिमिटिंग वैल्यू है। तुम 2 एग्जैक्टली नहीं लेते, 2 के क्लोज वैल्यू लेते, तो 2 से बड़ी या 2 से छोटी? यस सर। ग्राफ ही ऐसे ही बनेगा, मतलब कि माइनस साइड से एक लाइन ग्राफ ऐसे ही बनेगा ही। इसमें एक चीज होगी यहाँ पे कि क्योंकि तुम 2 रख नहीं सकते ना इसके अंदर, इसमें 2 तो रख yes, नहीं सकते, तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से ग्राफ में से। एक गैप ग्राफ में गैप ग्राफ में गैप आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा ऐसा, सर पॉसिबल होता है? हाँ एक होल आ जाएगा। पिछली बार ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं पढ़ा था? अच्छा हाँ वैसे ही, तो उसमें ऐसे ही तो था, मतलब वो वैल्यू पे 2 पे रख नहीं सकता, तो एक हाँ हाँ आउटपुट नहीं है ना 2 पे। मेरे को लगा ये सब, मेरे को लगा वो सर्कल नहीं बनेगा, सिर्फ आपने नहीं बोला लाइन वहां पे डिसकंटिन्यू होके फिर आगे कंटिन्यू होगी, अभी क्लियर है? वही लग रहा था। यस सर। तो ये क्लियर है लिमिट क्या कांसेप्ट? यस सर। ओके ओके, हमने आज पढ़ लिया डेफिनेशन ऑफ लिमिट, नेबरहुड और बताते हैं आज के लिए इतने काफी है। नेबरहुड का मतलब क्या है? कुछ नहीं, एक इंटरवल की तरह है नेबरहुड। इंटरवल याद है? आसपास, आसपास की वैल्यूज। सपोज यस सर, नेबरहुड किसकी? एक पॉइंट सी की, और पॉइंट एक्स इक्वल टू सी इसकी नेबरहुड। यस सर। सी के नेबरहुड का मतलब क्या है? सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक कोई वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज, ये यस सर, इधर और इधर, तो ये एक लेंथ हो गई ना यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भी एक लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये लेंथ का जो तुम सी के अराउंड एक इंटरवल बना रहे हो, समझो ध्यान से, सी सेंटर है उसका और सी के अराउंड तुमने एक इंटरवल स्केच कर दिया इतने लेंथ का। यस सर। तो ये जो इंटरवल है ये, इसको इस डिस्टेंस को मैं कुछ नाम दे दूं, एक ग्रीक सिंबल होता है डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब डेल्टा क्या है? एक रियल नंबर है। कैसा? पॉजिटिव। तो सी में तुमने कुछ लेंथ ऐड करी, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सी प्लस डेल्टा। डेल्टा लेंथ है, ये लेंथ कितनी है? डेल्टा यूनिट। डेल्टा वो c माइनस डेल्टा हो जाएगा लेफ्ट साइड। हाँ हाँ हाँ, उसमें से घटा रहे उतनी सेम चीज, तो ये क्या हो जाएगा? c माइनस डेल्टा। डेल्टा c के अराउंड एक इंटरवल बना दिया c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा तक, ये कैसा इंटरवल है? ओपन। तो डेल्टा इंटर। यस सर। तो ये जो, लेकिन यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ कि जो c जो पॉजिटिव है वेरी स्मॉल है, ये डेल्टा क्या है? वेरी स्मॉल, ये मेरी अजम्पशन है।
स्मॉल का मतलब क्या, डेल्टा जैसे सपोज ले लिया मैंने पॉइंट्स में, डेसिमल में या तो जैसे वन छोटा बाई ही टेन, होगा। डेल्टा वन बाई टेन ले लिया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यस सर। सी तुमने ले लिया सपोज टू, सी के ले लिया टू, तो टू टू के अराउंड अगर मैं एक लाइन ऐसे स्केच करूंगा तो ये टू है मेरा, तो टू के अराउंड यहाँ पे कोई ये पॉइंट क्या होगा, टू प्लस वन बाई टेन, ये मैग्नीफाई करके मतलब एक्चुअल में नहीं होगा इतना, तो मैग्नीफाई कर दिया मैंने, टू माइनस वन बाई टू टेन, पॉइंट वन मतलब कि यस हाँ, सर, तो ये क्या हो गया 2.1 से लेके 1.9 यस सर। और ओपन इंटरवल हो गया, तो ये क्या हो गई, टू की नेबरहुड हो गई, इसको क्या बोलूंगा मैं, नेबरहुड टू ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू। एक चीज ऑब्जर्व करो, जो एक्स इक्वल टू टू है वो इसके अंदर बैठा हुआ है सेंट्रल में, पॉइंट टू आएगा ना सेंट्रल में, ये सर, बस तो ये बीच में सब। हो। हाँ मतलब टू की वो नेबरहुड है उतने लेंथ की, 1/10 रेडियस का एक इंटरवल बन गया ना मैंने टू के अबाउट, यस सर, तो ये नेबरहुड हो गई किसी पॉइंट की। तो नेबरहुड का कंसेप्ट क्या हुआ कि किसी पॉइंट के अबाउट उसके बहुत ही वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो उसके बहुत क्लोज हैं, यस सर, क्लोज जो क्या है उसके बहुत क्लोज है। हैं, तो जब तुम ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ले लोगे तो तुम एक पॉइंट की नेबरहुड बना दोगे। तो नेबरहुड क्या है, एक इंटरवल होगा हमेशा, यस सर, और वो भी कैसा इंटरवल होगा, एक ओपन इंटरवल। ओके सर। सर तुम तो दोनों चाहो, साइड इंटरवल सेम रहेगा? तो बाउंड्रीज को इंक्लूड भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जनरल ओके सर। जब मैं एक नेबरहुड की बात करता हूँ तो मैं उसके एक अराउंड एक ओपन इंटरवल की बात करता हूँ। किसकी बात करते ओके हैं, सर। ओपन इंटरवल की। बोलो क्या डाउट है तुम्हारा, सर मैं वो ही बोल पूछा था कि इंटरवल सेम रहेगा दोनों साइड? हाँ क्योंकि वो लेंथ सेम है ना, एक साइड तुमने उस लेंथ को घटाया, दूसरी साइड तुमने उस लेंथ को ऐड किया, तो यस जो सर, जो एक ही लें तो दोनों ओके। जो लेंथ है वो दोनों साइड बराबर है ना, यस सर, इसलिए समझ गया सर। क्लियर। तो ये हमने यस सर, हमने दो चीज़ें कर ली आज, कि किसी फंक्शन का किसी पॉइंट के अराउंड लिमिट कैसे निकालनी है, और इसकी फिर उसको लिखना कैसे है, और नेबरहुड का क्या मतलब है। कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ तुम्हें करनी है, घर से एक्सरसाइज। अब इसका निकालना है, ठीक है? कुछ बहुत सिंपल भी दे रहा हूँ और कुछ थोड़ा सा वो है। फोर्थ क्वेश्चन देख, ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो, समझ में आया फोर्थ क्या लिखा है? लिमिट इज इक्वल टू 5 सच नॉट दैट नॉट इक्वल एक्स टू, नॉट इक्वल टू नहीं है इक्वल कहाँ से यूज किया मैं सिंबल, बिल्कुल ओके। लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 5 व्हेन एक्स अप्रोचेस टू, यस सर, ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे इस केस में, मतलब 5, क्या यस था सर, कांस्टेंट फंक्शन बड़ा था। व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग टू। सर तो आपने कुछ बताया नहीं अलग। अच्छा, फिर दोनों साइड के लिए बराबर है। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी जब कांस्टेंट फंक्शन पढ़ाया था तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कांस्टेंट फंक्शन वाली वीडियो देखना, कांस्टेंट फंक्शन हमने कैसे करा। ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया यस ना, सर, ये एफ एक्स है, ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, टू क्यों लिख रहा हूँ, ये टू नहीं आएगा ना, एफ एक्स की एफ एक्स टू के बराबर, एफ एक्स 5 के बराबर है, ये कह रहा हूँ, कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया वो। कॉन्स्टेंट ओके सर, फंक्शन याद है, भूल गए, मतलब ये सर कांस्टेंट बराबर रहता दोनों साइड। कॉन्स्टेंट फंक्शन एक ही वैल्यू लेता है। हाँ वो एक वाले दोनों साइड बराबर हुई, एक हाँ ही वैल्यू। ये सब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना, सिंपल क्वेश्चन है, ओके सर, एक ये भी चलो ट्राई कब कर। पीडीएफ भेज देना।
हाँ पी डी फाइव भेज दो। एक्स -2, ठीक है। ये पांच छह प्रॉब्लम्स हैं और अपनी एक्सरसाइज में, फिर सर बुक में जो भी एग्जांपल्स हों एक्सरसाइज में उनको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे इसके बाद, यस सर इसको पढ़ लेना अभी जाके लिमिट का भी दोबारा से। हमने आज इन दोनों चीज़ें हो गई, श्योर सर। कंसेप्ट में देख लेंगे कुछ ज़्यादा जानी है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट आएगा सम और अलजेब्रा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम डायरेक्टली मूव कर जाएंगे इंटरमीडिएट फॉर्म्स पे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पे, कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं। ओके ठीक सर, है, ठीक है कार्तिक, करते हैं फिर नेक्स्ट सर क्लास। आप पीडीएफ भेज देना। हाँ, मैं पीडीएफ अभी शेयर कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।